हमारी चाय रेडी हो चुकी है। मेरा फेवरेट टेबल है पे, जो कि इसका रिव्यू आपने कुछ ही दिन पहले देखा होगा। तुझ अभी हमने कश्मीरी सॉन्ग इसमें लगाया। दोस्त चॉइस करे, ये वाले टेंट लेंगे या ये वाले। इसमें जगह है पर सोने की ना, ना, ये बाहर अगर जगह कम पड़ी तो ये पहरा देगा बाहर। हमारी पैकिंग पूरी हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। तो सभी कैसे हो दोस्तों? ठीक हो, उम्मीद है कि सभी ठीक ही होंगे, खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हो, हमारा गेटअप अभी चेंज हो चुका है, ईद भी खत्म हो चुकी है। तो अभी हम तैयारी कर रहे हैं निकलने की एक टूरिस्ट प्लेस पे जाने की, जिसका नाम है गुरेज वैली। जैसा कि आप लोग जानते होंगे उसकी लोकेशन, वो टूरिस्ट प्लेस कैसी है, कैसा मज़ा है वहाँ पे, और हमें कैंपिंग वैम्पिंग सारी खुद ही करनी है। वहाँ बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत ही ज़बरदस्त सीन रहने वाला है। और ये गोश्त, ये बैग पैक सारा हमने तैयार कर लिया है। करते हैं अपने दिन की शुरुआत, करते हैं अपने व्लॉग की शुरुआत यहां से निकलने से पहले। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक शेयर और कमेंट भूलना मत। तो निकलते हैं, करते हैं बिस्मिल्लाह। अभी सारी पैकिंग हो चुकी है, मैंने गाड़ी में सारा सामान भर लिया है। अब मैं दोस्तों के पास जाऊंगा, वहां से उनका सामान उठाना है। भाई नेरे अरे बेबी रो सो जब मैं घर से निकलता हूँ तो माँ की दुआ साथ होती है। अल्हम्दुलिल्लाह। सारे दोस्तों ने सामान लाया है, हमारी पैकिंग पूरी हो चुकी है। तो अब हम निकलते हैं, करते हैं तैयारी निकलने की। चलो भाई, ये है अदनान साहब और ये हजूर साहब। अभी एक दोस्त वहाँ पे वेट कर रहा है। सारे दोस्त आ चुके हैं पूरी तैयारी के साथ। हम अभी पहुँचे हैं वटलब संगरी टॉप पे, जहाँ से अभी जाना है हमें। कितना है, कितने किलोमीटर हैं लगभग गुरेज तक? 90 नहीं, यहाँ से शायद 110 की 120 किलोमीटर है। क्या सीन रहता है आगे आगे वो आपको खुद ही पता चलेगा, इंशाल्लाह सब कुछ सही रहेगा। हम पहुँच चुके हैं बाणीपुरा, यहाँ पे कुछ मटेरियल हमें उठाना है। बटर लकट हिश दीजिए। कुछ हिश पीस वाजी लगान सब्जी वाले कर सामान पैक कह पर्व कर बोझ हिसाब तो बाणीपुरा से हम निकले हैं, हमने सारा स्टॉक लिया है। अभी यहाँ से हिल स्टार्ट हो रहा है बराबर गुरेज तक, मतलब बीच बीच में प्लान आ जाएगा। फिलहाल हिल को चढ़ना है, यहाँ से आप यहाँ की सीनरी देख लो, क्या ही ज़बरदस्त सीनरी है यहाँ की। ये मैं आपको बाहर से कैमरा घुमा के दिखाता हूँ। चलो फिलहाल हम ड्राइव करते हैं, क्योंकि ड्राइविंग में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। उसके बाद आपसे फिर मिलते हैं। हम यहाँ पे इस वाली लोकेशन पर पहुँच गए हैं। एक थोड़ा सा बीमार पड़ गया है वहाँ पे गाड़ी में, अब हमने गाड़ी साइड में रखी, थोड़ा सा रेस्ट भी करते हैं क्योंकि एग्जॉस्ट होते हैं गाड़ी चलाते चलाते, बहुत एग्जॉस्ट होते हैं, इसलिए थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। अबे का फ़ोटो उठाए, मारो दिख रो। अभी हम एंट्री करने गए थे, देख लीजिए गाड़ियों की लाइन यहाँ से लग चुकी है, हमारी गाड़ी वहाँ पीछे है। हमने एंट्री की है, पहली एंट्री, पता नहीं कितनी एंट्री होगी यहाँ पे। हमारी एंट्री तो हो गई, अब चलते हैं आगे। शुक्रिया जनाब। एक तेरा, एक मेरा, एक और लाभ, मतलब एक तेरा। चलो भाई,
अभी चाय एक मेरा हाँ। दो तेरा दो मेरा हाँ। थोड़ा सा दिमाग आ गया इस ठिकाने, अब आगे निकलते हैं। हम जैसा कि पहुंचे हैं राजदान पास, हमारे साथ एक बंदा बैठा है, उसने बोला कि हमें वहां जाना था, क्या बोलते हैं उसको, जोजिला पास। इसने बोला जोल जल पास। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। गजब बेइज्जती है यार, ये कैसा बंदा है, देख लीजिए इसने क्या नाम बोला। तो फिलहाल के लिए इस मजाक को आप सीरियस नहीं लेना। वेलकम टू राजदान पास, बाबा दरगाह, पीर बाबा दरगाह। ये लीजिए यहाँ पे ये पीर बाबा। तो शो बुन वसुन ओ क्यों होता हाँ और से देवा कासा है ना घर है ना कासा और शो और ही उनका सो और ओ यार ठीक है जा और ना चलो फिलहाल यहाँ से आप देख सकते हो यहाँ से ये टाइल रोड स्टार्ट होता है और ये रही यहाँ की राजस्थान की व्यू। ओ ना ना कट कूंस पास फ्लैग पोस्ट लाइन ऑफ डिफेंस गुरेस लैंड ऑफ शिनास शिनास। ये देख लीजिए ये है यहाँ पे बर्फ, अभी जून का महीना चल रहा है और यहाँ पे बर्फ अभी भी है। आप देख लीजिए यहाँ कमाल की माशाल्लाह सर्दी आलो जो बाया हो बाया सर्दी आलो सर्दी। ये देख लीजिए ये है बर्फ, आपने तो कभी देखा नहीं होगा। आर यू कॉमेडी मी? आज मैं आपको दिखा रहा हूँ और ये होता है बोट। सीनरी जो है ना बहुत ही कमाल की सीनरी है, वहां से बर्फ स्लिप हो रही है, स्लिप हो रही है ना। कुछ तो लो यहाँ की सीनरी को आपने चेकआउट कर लिया। यहाँ से 40 to 44 किलोमीटर है दावर तक, यहाँ जो है ना ठंड ज्यादा है। क्या शुक तेल वहां पे मैंने फोटो उठाई थी पिछले साल, वहां नीचे वहाँ नीचे मैंने फोटो उठाए थे पिछले साल वहाँ पे। राजस्थान का ऑल्टीट्यूड है 11,672 ऑल्टीट्यूड पे है ये। चलो भाई यहाँ से निकलते हैं, चलो ये लो इसमें गोश्त रखो क्योंकि वहाँ तक ठंडा रहेगा। चलो चलो निकलते हैं, हम इतनी जगह रुके लेट होगा कसम से। अब यहाँ से हम पहुँचने वाले हैं गुरेस, यहाँ पे लास्ट एंट्री होने वाली है हमारी। मैंने एक बंदे को भेजा है वो एंट्री करेगा तो उसके बाद वो आएगा, फिर हम डायरेक्ट गुरेस। पकुन थोड़ा तोल से आई लव गुरेस। वेलकम टू गुरेस। तो फाइनली पहुंचे हम गुरेस, तो देख लीजिए हम पहुंचे कैंपिंग साइट पे। अब हमारी कैंपिंग यही पे होगी, जबरदस्त मजा आने वाला है। नहीं हम पहले गाड़ी नीचे ले जाएंगे। ईद मुबारक आपको भी। कहाँ पे कौन सी साइड है? पहले हम देखेंगे कि हमारा टेंट कौन सा है, लोकेशन अच्छी है फिर मज़ा आने वाला है वहाँ पे। उसके बाद हम जाएंगे पहले मार्केट, फिर सामान लाएंगे वो अच्छे से टेंट में सेट करेंगे। आग भी तो गाइड मजी अभी चॉइस करे, मेरे दोस्त चॉइस करे ये वाले टेंट लेंगे या ये वाला टेंट लेंगे। कौन सा टेंट लेंगे हम, वो वाला कि ये वाला, आप डिसाइड कर लो। देख इसमें जगह है पर सोने की, ना ना ये यहाँ पे बेनिफिट ये है कि हम यहाँ पे पका सकते हैं सब कुछ। भेजिए दस पैकेट आठ किलो दस पैकेट लूज गंट तो ना तो A
A few moments later. पूरा का पूरा सामान यहाँ पे सेटअप किया है, अब इसको टेंट में भरेंगे। ये मेरे दोस्त चॉइस करे, ये वाले टेंट लेंगे या ये वाले टेंट लेंगे। कौन सा टेंट लेंगे हम, वो वाला कि ये वाला? उसमें जगह है पर वो आगे बैठने के लिए वो जगह नहीं है उसमें। देखो आप डिसाइड कर लो। देख इसमें जगह है बस सोने की। ना ना ये इसमें जगह है बस ये। यहाँ पे बेनिफिट ये है कि हम यहाँ पे पका सकते हैं सब कुछ यहाँ पे और वहाँ पे सो सकते हैं। अगर जगह कम पड़ी तो ये बाहर, अगर जगह कम पड़ी तो ये बाहर पहरा देगा बाहर। गजब बेइज्जती है। अता वाह इट्स अ टैलेंट इज कदर। इसको बाहर चलो, पहले हम पूरा सामान लाएंगे। ये भाई साहब यहाँ पे जो हमारा खाने का सामान है, सोने का खाने का सामान है, ये भाई साहब यहाँ से उठा रहे हैं। पूरा का पूरा सामान लेके अंदर जाओ। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। ये आ रहे हैं। साइड में रखो, साइड में, एक साइड में रखो भैया। शाबाश, एक साइड में रखो। हमने ये टेंट चॉइस किया है, आप देख लीजिए हमारा सारा ये सामान है, खाना पकाने का और सोने का वोने का, यहाँ पे सब कुछ, बिस्तर विस्तर सब कुछ है, देख लीजिए। मतलब हम यहाँ पे दो दिन स्टे करने वाले हैं, आप देख सकते हो। ये गुरेज के पहले ही आता है, दावर मार्केट से पहले ही आता है ये कैंपिंग साइट। बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही मज़ा आने वाला है। और यहाँ पे हम खाना पकाएंगे, यहाँ पे खाएंगे, यहाँ पे सोएंगे। हम कह रहे हैं यहाँ पे गोश्त पड़ा है, इसको हम काटेंगे, उसके बाद इसको पकाएंगे। سیری کیا جی واہ میگی تیار ہو چکی ہے بسم اللہ چمچ چمچ کہاں پہ ہے چمچ کہاں پہ میگی Сөйлем жазат кыз качып юпа. Суй ичи кошек палядыс лайда неки. Бай ба. Амай. Дан залаг. Амай ой. Ну ба ана лемиз шуна. Амай жу. Я уни так тебе попал.
بلا تھاو ये देख लीजिए आप, यहाँ पे क्रिकेट मैच हो रहा है और ये देख लीजिए यहाँ कैंपिंग की व्यू, मैं आपको हर एंगल से दिखाऊंगा। देख लीजिए ये रहा वहाँ पे हमारा टेंट। कैच इट कैच इट। इस गेंद को वाइड बॉल करार दिया गया यहाँ पर। अभी बॉलिंग बहुत ही बढ़िया की जा रही है। शाबाश शाबाश शाबाश, कैच इट कैच इट। छोटू बॉल आई थे, दे दे शाबाश छोटू, बहुत बढ़िया। चलो अभी हम खेल कूद करते हैं तो उसके बाद आपसे मिलते हैं। A few minutes later. हमारा स्पीकर यहाँ पे हमने लगाया, बहुत ही मजा आ रहा है कसम से। अभी हमने कश्मीरी सॉन्ग इसमें लगाया, सुनो ना। इतनी एक्साइटमेंट है, देख लीजिए सो गया अभी अभी यहाँ पे। ये इब्राहिम साहब अभी चाय बना रहे हैं, वो भी बटर के साथ। बिस्मिल्लाह, हमारी चाय रेडी हो चुकी है। तो हमने वहाँ टेबल लैंप लगाया है, ये मेरा फेवरेट टेबल लैंप है, जो कि इसका रिव्यू आपने कुछ ही दिन पहले देखा होगा। हम यहीं पे पियेंगे, ठीक है। देख लीजिए ये है नाइट की व्यू, वहां से ये उस साइड की कैंप है, नदी के साइड से ये वाले कैंप है। और ये हमारा टेंट रहा और यहाँ से दूसरी बरादरी बैठी है। बस अभी बारबेक्यूज बन रहा है, वो अभी मैरिनेट करना है। तुझा बना हुआ, तुझ मजा मज़ बलो एक्साइटेड गई ज्यादा یور یہ انشاء اللہ مے زان تج بن اصل مگر آز کرو نا آز کرو امید کہ تھی کھیو تج میان اصل ترین ہاتھوں میں ہمس نش سامان ابھی ابراہیم میں بیٹھا ہے یہ ابھی پکا رہا ہے شوگر ابھی چاول پکا رہا ہے اور گوشت پکا رہا ہے اس کے بعد ہم کھانا کھائیں گے 300 लो जी सलाद बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो इसमें हम नींबू वींबू डालेंगे, इसको पहले धोएंगे और नींबू डालेंगे फिर हम खाएंगे। अभी वो भाई साहब वहाँ पे तैयारी कर रहा है। हेलो गाइस, तो शुनो फॉलो करनी, तो शुनो सब्सक्राइब करनी, ठीक छा? ठीक वन मैं, ठीक वन मैं, बेशा की वनन बस आ यु तो यार ठीक। बस विकेंडस बस आज बात खोन तो टाइम पर चाहिए गाइस, टाइम पर चाहिए चाय ची तो टाइम पर चाहिए तुझ बना। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। हमने आपको दिखाया कि आज क्या क्या इंजॉय हो गया।
अभी लेट बहुत हो चुका है, अभी बजे है रात के 2। बहुत ही मजा आ गया, हमारे सारे दोस्त सो चुके हैं यहाँ पे, अभी सिर्फ मैं हूँ खड़ा। तो सोते हैं, मिलते हैं आपसे कल। फिलहाल के लिए करते हैं आज के इस व्लॉग को यहीं पर खत्म। अल्लाह हाफिज। The next day.